कई बार कहा यह जाता है कि हमारे पीछे जो विश्वविद्यालय है इसको मंदिर बना दो, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं मानता, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ गुरु को कहा गया गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा है, विद्या का मंदिर है। इसमें भी जाति देखकर, लैंगिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर बहुत तरह के भेदभाव होते हैं। एजुकेशन सिस्टम पर कभी आपको ये सोचना चाहिए कि कोचिंग का पूरा एम्पायर खड़ा क्यों होता है, क्योंकि स्कूलों में डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाइयां बर्बाद की जा रही, तो कोचिंग खुलेगी। एक विचारधारा के आप पदाधिकारी हो और प्रिंसिपल भी, ये चल जाएगा। और अगर आपके विचारधारा से कोई सहमत नहीं है तो वो एडहॉक से परमानेंट नहीं हो सकता। हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, ना उम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। इस दुनिया रहने लायक नहीं थी, इसे अपने संघर्षों से रहने लायक बनाया। हजारों साल से लोगों ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है। इसमें हजार रास्ते हैं, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, बशर्ते कि आप चलने लायक। India.com की नई सीरीज इंडिया का जज्बा की आज की कहानी में हम मिलेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव से। डॉक्टर लक्ष्मण यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की और फिर साल 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में ही बतौर अडहॉक प्रोफेसर पढ़ाने लगे। यहाँ पढ़ाते पढ़ाते जब इन्हें 14 साल बीत गए और नौकरी को परमानेंट करने की बारी आई तो इनके साथ ऐसा हुआ कि इनकी नौकरी परमानेंट नहीं की गई। इसके पीछे क्या वजह रही और डॉक्टर लक्ष्मण यादव उन सब चीज़ों से किस तरह जूझे और आज तक जो इनकी ज़िंदगी का दारोमदार चल रहा है उसमें ये क्या झेल रहे हैं, ये पूरे सफ़र पर आज इंडिया का जज्बा में हमसे बात करेंगे। हाय सर। हेलो। आपकी एजुकेशन की शुरुआत किस तरह हुई, वहाँ कौन से स्कूल में पढ़े, फिर कैसे आप यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, घर का जो बैकग्राउंड था उस टाइम पे कैसा था, क्या आपने कभी सोचा था कि आप आजमगढ़ से निकलकर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे और फिर वहाँ कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, कैसे ख्वाब थे जब वहाँ से निकले थे? संघर्षों के लिहाज से एक बड़ा नाम आजमगढ़ जी, प्रतिरोध का जिला रहा। उसके छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ, खेती किसानी वाला परिवार जिसके पास खेत भी बहुत नहीं थे। मेरा जन्म एक उस तबके में हुआ जिसके पुरखे गाय भैंस चराते रहे, खेत में काम करते रहे, तो कोई ऐसा बैकग्राउंड था ही नहीं कि जिसमें कोई बहुत बड़ा ख्वाब देखा जा सके हायर एजुकेशन का, तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में लेकिन मेरे पिछली पीढ़ी के लोग, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे माँ बाप दोनों पोस्ट ग्रेजुएट थे, दोनों ज्योग्राफी से थे। मेरे बड़े पिताजी उस जमाने में बहुत मेहनत करके, मतलब दूसरे के खेत को आधे पर ले करके उससे फिर उसमें खेती की तो आधा फसल आपकी जी, होती जी। है, तो उन संघर्षों आधी बटाई पे, हाँ, आधी यूपी बटाई में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आधी बटाई पर, तो उससे वो परिवार को उन्होंने संभाला, सब कुछ किया। उन्होंने भी पढ़ाई की और लाइब्रेरियन रहे बाद के दिनों में, बहुत बहुत आखिर में आकर के उन्होंने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया और फिर लाइब्रेरी से, मतलब किसान से वो नौकरी पर आए। तो वो लाइब्रेरियन है बड़े पिताजी, मेरे पिताजी तो कॉमरेड थे, वो नौकरी में नहीं थे, वो किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ा करते थे, अखबार निकालते थे। आपके भीतर जो लड़ाई लड़ने का जज्बा आया कहीं ना कहीं आपको विरासत में बिल्कुल कह सकते हैं। जब आप इलाहाबाद गए तो मतलब घर से कितना दूर पड़ता था या क्या आपको हॉस्टल में वहां जाकर रहना? शुरुआती 3 साल जब ग्रेजुएशन के लिए थे तो हमने बाहर कमरा किराए पर लेकर के पढ़ाई की, वही 10x10 का कमरा जिसमें एक ही दरवाजा होता है, हवा और इंसान दोनों उसी से आते हैं और धूप नहीं आती। मेरी किताब में ये बात लिखी है, मैंने अपने एक किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी, तो उसमें ये किस्सा आपको मिलेगा कि कितना संघर्ष एक विद्यार्थी के जीवन में होता है, वो जीवन जिया है हमने जी। तो इलाहाबाद इसलिए क्योंकि उस पूर्वांचल में सबसे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी। आप पिछले 30-40 साल में पूरे पूर्वांचल में खासकर अगर किसी भी व्यक्ति को आगे तरक्की किए हुए देखेंगे तो 99% ऐसी गुंजाइश है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, बड़े ब्यूरोक्रेट हुए, पॉलिटिशियन हुए, प्रधानमंत्री हुए और अच्छे प्रोफेसर हुए। वो इसलिए क्योंकि हमारे आजमगढ़ में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब आए और वहाँ अच्छे टीचर भी मिले, खराब भी मिले, उस परिवेश में शिक्षा, जब शिक्षा की अहमियत समझ में आने लगी, कलम और किताब की अहमियत समझ में आने लगी, तो धीरे धीरे फिर सपने आप देखना शुरू कर। घर से दूरी लगभग 125 किलोमीटर
पहले 3 साल वहाँ रहे डेलीगेसी में, मतलब 10x10 के किराए में। 2 साल जब एमए करने लगे तो चूंकि एमए के एंट्रेंस में हम टॉपर थे तो हमें हॉस्टल मिल गया वहाँ पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आप टॉपर रहे। हाँ, वो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर उसके बाद हुआ ये कि एमए प्रीवियस में भी मैं सेकंड टॉपर रहा और एमए फाइनल ईयर में भी मैं अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। हालांकि वहाँ बहुत खराब लोग भी मिले मुझे, बहुत अच्छे वो तो सर सब जगह है, लेकिन इस बात को कहना बहुत जरूरी है। कई बार कहा यह जाता है कि हमारे पीछे जो विश्वविद्यालय है इसको मंदिर बना दो, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं मानता, इसमें अच्छे लोग भी हैं और इसमें खराब लोग भी। आपका तजुर्बा जो है वो दोनों है, वो दोनों रहा, शुरुआत में अच्छा रहा। हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेहद शानदार प्रोफेसर मिले लेकिन बहुत खराब प्रोफेसर भी मिले, तो अच्छे वाले जो मिले उनसे हमने ये सीखा कि अगर प्रोफेसर बनेंगे तो इनके जैसा बनेंगे, इनके जैसा बनेंगे। खराब मिले तो ऐसा सोचा कि यार ऐसा प्रोफेसर खराब तो नहीं बनेंगे भाई, जो बनूं तो बनूं ऐसा। इसलिए ये चीज हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सीखी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सीखी, आज भी सीखते हैं, जिंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं। और ये बात कहना जरूरी होता है क्योंकि कुछ लोगों को पूजा करने लायक बना दिया जाता है कि नहीं नहीं उस पर कोई सवाल मत करो। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ गुरु को कहा गया गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा है, विद्या का मंदिर है। इसमें भी जाति देखकर, लैंगिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर बहुत तरह के भेदभाव होते हैं। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने ये चीजें फेस की हैं। फेस की हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि जैसे जो हमने फेस नहीं भी की, किसी और को फेस करते हुए देखा है। तो उसे भी हमने ये देखा है कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो गलत को गलत तो कहना पड़ेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जेआरएफ हो गया, घर वाले बोले थे 6 महीने की कोचिंग है। तब कोचिंग ऐसी नहीं हुआ करती थी कि वो इतना बड़ा बिजनेस व्यापार बन जाए जो आज कि कोई बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाए और पानी में बच्चे डूब के मर जाएं। वो बुरा दिन इतना नहीं था, लेकिन फिर भी एजुकेशन सिस्टम पर कभी आपको ये सोचना चाहिए कि कोचिंग का पूरा एम्पायर खड़ा क्यों होता है। सही बात, क्योंकि स्कूलों में कम डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाइयां बर्बाद की जा रही, तो कोचिंग खोलेगी, कोचिंग वाले का दोष नहीं। वहां कमी मिलती है तब वो दूसरे रास्ते ढूंढ, जरूरत है उनकी और इस जरूरत को बिजनेस बना दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। 9 में आ गया था मैं दिल्ली, 2010 में इंटरव्यू देने लगे क्योंकि हम मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, एमए और नेट। तो मैंने नेट का एग्जाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही दे दिया था, तो अपियरिंग में ही मेरा जेआरएफ हो गया। तो जेआरएफ हो गया, फेलोशिप मिलने लगी, डीयू में पीएचडी में एडमिशन हो गया। मतलब पीएचडी में एडमिशन के साथ आप पढ़ाने लगे। 3-4 महीने ऐसा हुआ कि मैंने पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद इंटरव्यू देना शुरू किया। हमारे दोस्त यार जाते थे तो वो इंटरव्यू देना हमने भी शुरू किया। दूसरा इंटरव्यू था जो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का था और उसमें मेरा हो गया अपॉइंटमेंट। उस जमाने में बहुत शानदार लोग वहां थे, प्रिंसिपल बहुत शानदार थे, इसलिए नहीं कि वो उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया था, इसलिए उस जमाने में अपॉइंटमेंट सिस्टम इतना करप्ट था भी नहीं, ठीक ठाक था माहौल। और लोग ये कहते थे कि अगर आप एक बार एडहॉक हो गए, पहले रास्ता एडहॉक होने से ही शुरू होता है, फिर वो परमानेंट की तरफ 4 महीने या 4 साल आप परमानेंट हो जाएंगे जी। लेकिन वो फिर 14 साल कब बीत गए और फिर एक दिन आया कि मैं नौकरी से निकाल दिया गया, मतलब मेरी जगह किसी को परमानेंट कर दिया गया। और 14 साल पढ़ाने के बावजूद, एपीआई स्कोर में 100 में से 96 नंबर होने के बावजूद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद, सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बावजूद परमानेंट किसी और को कर दिया। आपकी जगह जिस शख्स को परमानेंट किया गया तो कुछ आपको जवाब नहीं दिया गया कि असल में यूजीसी ने जो नियम कायदे बना रखे हैं कि इंटरव्यू बोर्ड को पंच परमेश्वर बना रखा है कि जो उनके जहन में आया इसको रखना है, इसको नहीं रखना है। तो एक कागज पर केवल लिख दिया जाता है कि आपके पास ये स्कोर नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। 5 पोस्ट है, एक कागज पर आखिर में लिख दिया जाता है कि पोस्ट नंबर 1 पर इनको चुन लिया गया है, 2 पर इनको, 3 पर, 4 पर इनको, 5 पर नहीं। इनको चुनने का जो क्राइटेरिया बताने का, इंटरव्यू में इतने नंबर थे, कुछ भी नहीं, नथिंग। काश ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता कि लक्ष्मण यादव का इंटरव्यू खराब हुआ या एपीआई स्कोर खराब था या इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाया, फिर आपके पास तजुर्बा कम था। तजुर्बा तो मेरा सबसे ज्यादा था उस कॉलेज, और जिसको मेरी जगह रखा गया वो स्कूल की टीचर थी। वो मोहतरमा बस एक विचारधारा की थी, अब उस पर खुल के क्या कहना जी। कोई संभावना नहीं थी ऐसा हुआ होगा, कुछ लग रहा था, दोनों चीजें थी। मतलब एक बार ये मन में आता था कि नहीं यार
स्याह रात दिया जाएगा, मतलब रात अंधेरी है लेकिन इतनी अंधेरी नहीं कि सूरज की गुंजाइश न हो। अच्छा, दूसरी बात ये लगती थी कि हमें जिस विश्वविद्यालय ने पढ़ाया, जिस कॉलेज में हमने पढ़ाया, वहाँ हमने अपना बेस्ट दिया है और अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय इस करियर को दिया, इस इंस्टीट्यूशन को दिया। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे परमानेंट हो गए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कई नौकरियों में चले गए, हमारे पढ़ाए हुए लोग हमसे ज्यादा पहले परमानेंट हो गए। हमारे में क्या ऐसा है, एक दिन आएगा हम भी हो जाएंगे। फिर वो होता ही ये है तरीका कि इंटरव्यू के लिए 10 साल लग गए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप 14 साल तक पढ़ाते रहे, ऐसे ही बतौर एडहॉक पढ़ाते रहे, इस बीच में जो आपके साथी थे प्रोफेसर, क्या वो ज्वाइन करते रहे थे? हमारे कॉलेज में इंटरव्यू नहीं हुआ, हमारे कॉलेज में 2010 के बाद 2023 में इंटरव्यू हुआ सीधा। हाँ, और हमने भी उसके पहले इन 13-14 सालों में मैंने कम से कम अब तक 35-40 इंटरव्यू तो दिए होंगे परमानेंट होने के। यानी हम भी बैठे नहीं थे कि यही कहे हो। मेरा बिहार में अपॉइंटमेंट हो गया था, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में मुझे अपॉइंटमेंट मिल भी गया था, लेकिन वो बहुत दूर थी। मेरा मन था कि मैं अपने प्रिय विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय से जिसने मुझे बनाया है, मैं यहाँ क्यों ना पढ़ाऊँ, मेरी चॉइस होनी चाहिए। और मैं इसके एक डिग्री कॉलेज में, जो बेहद शानदार डिग्री कॉलेज, वहाँ ऑलरेडी पढ़ा रहा था। और यहाँ का प्रोसेस ये था कि जो बहुत लंबे समय तक पढ़ा रहा था उसको वैसे ही कर देते थे परमानेंट, तो ये उम्मीदें होती थी कि हम यही हो जाएंगे, तो वो नौकरी छोड़ दी हमने। सही बात है। अब यहाँ जब परमानेंट का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सारे लोग आते हैं इंटरव्यू देने, हमारे भी डिपार्टमेंट के सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो बाद में लोगों से पता चलता है, और ये कैसा भी मैंने प्रोफेसर की डायरी में लिखा है कि हमारे कॉलेज से जो इंटरनल एक्सपर्ट बैठे हुए थे, वो जब रिजल्ट बनने लगा तो उन्होंने कहा कि एक फेयर सिलेक्शन देख लेते हैं, किसका कितना अच्छा इंटरव्यू हुआ है, किसका मेरिट अच्छी है, कौन सबसे पुराना है। प्रिंसिपल ने कहा नहीं नहीं, लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना है और बाकी जिसको चाहे आप रख लो। मतलब आपके जाकिर हुसैन में उस समय जो प्रिंसिपल थे अभी भी वही हैं और बहुत महान प्रिंसिपल हैं, वो भी उसी संगठन से जुड़े हैं जिस संगठन के लोगों का मेरी जगह पे उन्होंने नौकरी दी है। मतलब आप सोचिए, एक विचारधारा के आप पदाधिकारी हों और प्रिंसिपल भी हों, ये चल जाएगा। और अगर आपके विचारधारा से कोई सहमत नहीं है, नहीं है, तो वो एडहॉक से परमानेंट नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको इकोनॉमिकली वो मारेंगे, ये इसीलिए कमजोर कर दो लक्ष्मण यादव, चुप कर दो इसको, नौकरी से निकाल दो, डर जाएगा। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा एक विश्वविद्यालय और एक डिग्री कॉलेज को दिया, एक करियर को दिया, उसके बाद आपको बिना कारण बताए आपको वहां से निकाल दिया जाए। और बाकी जितने लोग पढ़ा रहे थे उन्होंने शर्त रख दी कि या तो अकेले इनको निकालो या सबको निकाल देंगे। ओके। फिर हमारे कॉलेज और तमाम लोगों ने कहा कि अच्छा एक को निकाल देते हैं। हाँ। लास्ट में यही फाइनल हुआ, मेरे अलावा जितने लोग पढ़ा रहे थे वो सारे परमानेंट हो गए, किसी और डिपार्टमेंट में 1-2 लोग और निकाले गए, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से 100 लोग निकाले गए, कोई और बोला नहीं। मैं निकाला गया तो मैंने सवाल पूछा कि मुझे क्यों निकाला, वजह बता दो। तो कुछ नहीं, मतलब होता ही है कि नियम कानून ऐसे बना दिए जाते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड के पास ये पूरी पावर है कि वो जिसको चाहे नौकरी पर रख ले, जिसको चाहे हटा दे, उसके पास ये कोई नियम उसके ऊपर बना ही नहीं है कि वो जवाब दे। 2010 से लेकर और 23 के बीच में जो वैकेंसी निकलती रही DU में प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए, उसके बाद में जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई या उसके प्रोसेस के लिए जो इंटरव्यू हुए वो डायरेक्ट 2023 में हुए? नहीं, मेरे कॉलेज के मेरे डिपार्टमेंट। इसके पहले कई अलग अलग कॉलेजेस में इंटरव्यू होते रहे, बहुत कम होते रहे, छिटपुट कहीं हो गया, कहीं 200-400 लोग हो गए पूरे 2-3 साल मिलाकर। हम उन जगह भी जाते थे और वहां से कहा जाता था, नहीं वहां से कहा था अरे आप तो जाकिर हुसैन में पढ़ा रहे हैं, वहां आपका हो जाएगा, यहाँ इनका कर देते हैं, क्योंकि सारा करप्ट है मामला। दुनिया जानती है वाइस चांसलर के यहाँ से कोई लिस्ट आ जाएगी या उसके कोई अधिकारी का लिस्ट आ जाएगी या जो प्रोफेसर बैठा है उसी का कोई कैंडिडेट होगा। तो सारी चीजें ऐसे बनी हुई हैं कि कौन अपॉइंट होगा, ये फेयर प्रोसेस है ही नहीं। समय जो था वो 14 साल एक करियर को देने के बाद इंसान जिंदगी और करियर के उस मोड़ पे है कि अब वो किसी नए की तरफ भी नहीं जा सकता है। आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय आपने उसमें दे मतलब दिया, आपकी जवानी तो उसी में चली गई आपकी। हमने चुना था कि हम एक अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, मेरी क्लासरूम मुझे बहुत पसंद है, शिक्षा की अहमियत मैं समझता हूँ, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम होना जरूरी है।
तो मेरा मन था कि मैंने बहुत सारे करियर के ऑप्शन छोड़ दिए और एक करियर का ऑप्शन चुना कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। आपने अचानक उस सपने को छीन लिया। ये जो अन्याय है, ये जो गलत है, क्या एक प्रोफेसर को इसलिए तैयार किया था एजुकेशन सिस्टम में कि वो बच्चों में कहे कि गलत को गलत और सही को सही कहना, बच्चों ये हम तुम्हें शिक्षा देने आए, हम तुम्हारे प्रोफेसर हैं। और जब उस प्रोफेसर को कहा जाए कि तुम अगर रीढ़ झुकाओगे नहीं, हमारी गुलामी नहीं कबूल करोगे, तो हम तुम्हें परमानेंट नहीं होने देंगे, तो फिर ये हम क्यों कबूल करते हैं? हमने नहीं कबूल किया कि हम, हमारे पास अगर कोई रीढ़ है और हम प्रोफेसर हैं, तो हमारी क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में किसी एक विचारधारा, एक पार्टी, एक झंडा के गुलाम बने। लेकिन आपने उसकी सजा उसको दे दी। ऊपर वाले ने एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा उधर खोल दिया। असल में होता ये ना कि हम लोग तो जहां से पैदा हुए ना, वहां तो दरवाजे ही नहीं थे कोई। हमने ये देखिए जज्बा, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इंडिया का जज्बा इज शोइंग। मैं फिर से कहता हूँ, और इस देश की कम से कम नई पीढ़ी को ये बात समझनी चाहिए कि किसान परिवार में पैदा होकर के आपको सुबह और शाम को गाय भैंस चराने जाना है, खेत में काम करना है, और फिर आप डीयू का एक ऐसा चेहरा बन जाते हैं। उसके बाद मतलब ये चीज होती है, और ये एजुकेशन ने कलम और किताब ने हमें दिया। एक दरवाजा बंद हुआ है, कोई और उसी कलम और किताब में छीनने के लिए अगर कोई साजिश करने के लिए मेरे खिलाफ बैठा है तो वो क्या छीन सकता है? वो मेरी नौकरी छीन सकता है, मेरी डिग्री आज भी मेरे पास है। लेकिन आपके अंदर जो जज्बा है, जो काबिलियत है, वो नहीं छीन सकता। वो जो सच कहने का हुनर, जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने किताबें, हजारों किताबें पढ़ी, हमने अपने कमरे में कपड़े कम खरीदे, किताबें ज्यादा खरीदी, हमने किताबों से मोहब्बत की, उसका ज्ञान कैसे छीन पाओगे? बिल्कुल, वो रास्ता नया बना देगा। जी, जी। और संघर्षों के दिन आते हैं जी। उस विपरीत दिनों में कई बार लगता है कि अब तो आप टूट गए। मेरे इसी दिल्ली विश्वविद्यालय ने जितने लोगों को निकाला उनमें से कोई बोला ही नहीं, वो चुपचाप कितने लोग निकल गए। इसलिए प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, वो उम्मीद पैदा करती है। जी, जी। वो शेर जंगर का एक शेर बहुत प्यारा है कि हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, ना उम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। अब वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर अडहॉक प्रोफेसर जॉइनिंग नहीं होती है, अब बतौर गेस्ट होती है। तो इन दोनों चीजों में एक बेसिक जो प्रशासन के हक में चीजें रही, वो क्या मतलब क्या चीजें हो सकती है, आपको क्या लगता है? एडहॉक प्रोसेस इसीलिए होता था क्योंकि वो मजबूत आवाज बन रहे थे, तो कुछ को परमानेंट, जब अपने मुताबिक चीजें हुई तो उनको परमानेंट कर लिया गया। अब जो बाकी लोग हैं वो सवाल ना पूछ लें, इसलिए उनको गेस्ट बना दो। जितने दिन क्लास पढ़ाओगे उतना ही तुमको मिलेगा, उसके बाद तुम वापस चले जाओ। तो तुम बोलोगे क्यों? ताकि अगली क्लास मिलेगी कि नहीं, मेरा घर चलेगा कि नहीं, मेरे घर में रोटी आएगी कि नहीं। शिक्षा अब कितनी मजबूर हो गई, प्रोफेसर बनने की चीजें ऐसी हो गई हैं कि आपका घर चलेगा या नहीं, इस तरह के तमाम सवालों से जोड़ दिया गया है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो लड़ेगा कौन, सवाल कौन पूछेगा। इसलिए ये चीजें की जा रही है, और ये फायदा प्रशासन का होता है, ये फायदा सरकार में बैठे लोगों का होता है। जनता कमजोर रहे, या तो अनपढ़ रहे, या तो किसी झूठ और अंधविश्वास में फंसी रहे, या आपस में लड़ती रहे। जी जी। तो यही विश्वविद्यालय भी करता है। लक्ष्मण यादव जी, अब अभी आप जिंदगी में जहाँ हैं, आपको जो तजुर्बे मिले, आपकी नौकरी गई, आपका करियर एक तरीके से आपसे छीनने की ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन आपने हार नहीं मानी। अभी जो नई पीढ़ी हमारी पढ़ रही है, बच्चे स्कूल से निकले हैं या कॉलेज में नए नए गए हैं, उनसे, उनके लिए एक छोटा सा आप क्या कहना चाहते हैं? इस दुनिया रहने लायक नहीं थी, इसे अपने संघर्षों से रहने लायक बनाया। हजारों साल से लोगों ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है। इसमें हजार रास्ते हैं, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, बशर्ते कि आप चलने लायक हो। इसलिए रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते खुले रहते हैं, और हम जैसे लोग जिसके लिए कोई परंपरा में, विरासत में कुछ मिला नहीं है, विरासत में कांटे मिले होते हैं कई बार, विरासत में मुश्किलें और डर मिला होता है, हिम्मत लेकर आगे बढ़ना है बेसिकली। और हिम्मत का एक चीज है, प्रोफेसर से आप बात कर रहे हैं, वो तो जनता ने उसको कहा कि वो आज भी नौकरी नहीं रहेगी तो भी प्रोफेसर रहेगा। कलम किताब सबसे खूबसूरत चीज है। एक शेर बहुत प्यारा मुझे लगता है कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, कोई साथी न कोई हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी, अब कलम और कागज से बेहतर दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मण यादव। थैंक यू।